हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अपने नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ 11:30 बजे। और मैंने अपना सारा काम कर लिया है, खाना वाना सब कुछ सुबह ही बन जाता है यहाँ पे, तो दिन का खाना नहीं बनाना होता है, डायरेक्ट सुबह ही सब कुछ बना लेती हूँ मैं। और कपड़े वगैरह धो के नहा भी लिया मैंने, मेरे बाल भी गीले अभी हल्के हल्के दिख भी रहे होंगे आप लोगों को। और मेरी पीहू अभी बाहर खेलने गई है अपनी दादी के साथ में, तो वहीं से मैं उसको लेने जा रही हूँ। तो चलिए आगे बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और ये मेरी पीहू खेल रही है यहाँ रोड में अकेले। मैं इसको लेने आई थी पर ये जाने का नाम नहीं ले रही है। पीहू, नहीं जाओगी घर? उधर से गाड़ी आ जाएगा बेटो, डर नहीं लगता आपको? नहीं लगता है, किसी से डरती नहीं है ये। किसी से डर नहीं लगता आपको? आज अच्छा खासा धूप निकला है गाइस, देखिए कहाँ चली मेरी बेटी, गंदी बेटी मेरी। चल घर ले चलूंगी फिर मैं, चल। छी गंदे मेरे तीतू, चल भाग। हाँ देखिए गाइस, कितना बड़ा लौकी है। ओ माय गॉड, इतना बड़ा लौकी है कि लौका है ये, पता नहीं। इसको शायद बीज के लिए रखे हैं। और एक छोटा सा लौकी इधर भी दिख रहा है, है एक छोटा है और एक उधर है। देखते हैं इसको शाम को हलवा बनाएंगे। क्यों पीहू, हलवा खाओगे आप? पीहू, लौकी का हलवा बनाएंगे आज शाम को ना। बहुत सारे वैसे फल है तो पर कोई खाता नहीं शायद हमारे घर में, इसको इसीलिए ऐसे फेंका हुआ है। और मेरी प्यारी बेटी उधर खेल रही है, ये मेरी छोटी सी बेटी है जो कि बहुत शैतान है। इसको मुझे नहलाना था पर ये नहा ही नहीं है, इसको अब सुला देती हूँ मैं घर जाके। क्यों बेटू, आप सोओगे क्या? इसको इसी सब में मन लगता है यार। चलो नीनू नीनू करना। ये लड़की उधर ही से आई और वापस उधर जा रही है। पीहू, पीहू, पापा है क्या अंदर? इसके बाल कैसे हो गए? चोटी करो नहीं करो बराबर हो जाते हैं इसके तो। छी छी छी, फेंक उसको। चलो ताला खोलते हैं। तो गाइस शाम हो चुकी है और मुझे खाना बनाना है, तो मैं वही सोच रही हूँ शाम के खाने में आज क्या बनाऊँ। मैंने पहले सोचा था कि लौकी का हलवा बनाऊंगी, पर लौकी का हलवा बनाना थोड़ा कैंसिल हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि मेरे पति को मैंने बोला है दूध लाने के लिए, तो रामगढ़ गए हुए, उनको बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है अंधेरा हो जाए, तो अंधेरे में हलवा बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुरंत नहीं बनता है, उसको टाइम लगता है। और उसको मैं सोच रही थी चूल्हे में बनाने के लिए, क्योंकि जो लकड़ी वाला चूल्हा होता है ना उसमें बहुत अच्छा बनता है, वो टेस्टी भी लगता है, उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। तो वही मैंने सोचा था, पर अभी तक तो वो आए नहीं है और पता नहीं कब आएंगे, मुझे पता भी नहीं है। मेरी पीहू सो रही है, तो मैंने सोचा जब तक मैं खाना बना लेती हूँ, खाना तो मुझे बनाना ही है वैसे भी। और मेरे घर में है एक मुर्गी, मैं आप लोगों को मुर्गी दिखाती हूँ। ये है हमारे घर की मुर्गी, इसके हैं बच्चे 6, देखिए कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं। और मेरी पीहू इन बच्चों से बहुत ज़्यादा खेलती है, इनको उठा उठा के भाग जाती है, डरती भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं डर लगता उसको। देखिए ये दिन भर घर में रहती है, क्योंकि अगर ये बाहर रहेगी तो फिर ना चील वगैरह कोई उठा के ले जाएंगे इसके बच्चे को, इसलिए घर में रहती है। कभी कभी मुझे परेशान भी कर देती है क्योंकि मैं इधर साफ़ करती हूँ, ये इधर गंदा कर देती है, इसीलिए। इस लौकी के हलवे का प्लान कैंसिल नहीं हुआ है क्योंकि मेरे पतिदेव जस्ट अभी फ़ोन किए थे, उनका फ़ोन आया, वो आने वाले हैं आधा घंटा में, तो उन्होंने बोला कि तुम तैयारी करके रखो, मैं तुरंत आता हूँ। तो अब प्लान तो कैंसिल नहीं हुआ है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं लौकी का हलवा। पहले तोड़ के लाते हैं लौकी, उसके बाद उसको आगे का दिखाती हूँ मैं क्या करूँगी। बड़ी सी लौकी है, इसको मैं तोड़ती हूँ सबसे पहले। और भी एक उधर छोटी पर ना वो सड़ गई है शायद, वो तो बड़ा लौका उस टाइम पे देखा आप लोगों ने। छोटी छोटी लौकी तोड़ेंगे तभी इसका टेस्टी बनेगा हलवा, तो मैं तोड़ती हूँ।
गाइज लौकी को मैंने दो टुकड़ों में काट के उसके बीज निकाल के छील के और उसको बढ़िया से घिस लिया था। जो घिसनी होती है हम लोगों के पास गाजर घिसने वाली, उसी में घिसा है। क्योंकि उस टाइम मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, लाइट भी नहीं थी दिन भर से, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाई। और अब आगे की प्रोसेस देख लीजिए आप लोग, कोई नहीं आप लोग इतना तो अपने से भी कर सकते हैं। उसके बाद भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है दूध। दूध को हम एकदम इसमें मतलब आधा लीटर जैसा मैंने दूध लिया है क्योंकि इसको गलाना पूरा दूध में पड़ता है। अगर आप नहीं इसको नहीं चाहते दूध तो आप पानी में भी कर सकते हैं, पर पानी से उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, तो इसलिए मैंने दूध लिया है। और दूध को इसी में पूरा गल गया, देख रहे हैं आप लोग इसका कलर भी पूरा चेंज हो चुका है और मावे जैसा दिखने लग गया है। और अब लगभग ये रेडी हो चुका है खाने के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको रेडी होने में। अब रेडी है खाने के लिए और अब मैं इसको गर्मा गर्म परोसूँगी खाने के लिए। तो बाबा को नीना करा रहे हो? हाँ नूनू करा दो, तो सुला लो, सुला लो बेटा। हाँ सुला लो मेरा बेटा। बाबू ने आज क्या खाया पीयू? बाबू को कुछ खिलाया आपने खाने में? आपने क्या खाया? नूनू निन्नी ने कराएगी बाबू को। कहाँ चढ़ रही है तू बहाना करके? मुझे सब पता है, ये देखिए कहाँ चढ़ रही है ये बंदर। मुझे सब पता था कि तू यही करने वाली है। नहीं बेटा नहीं करो प्लीज़, आ जाओ मेरा बच्चा। तो गाइस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी पीओ की शैतानियाँ देखते रहिएगा आप लोग भी। क्यों शैतान? और मेरी शैतान कितनी शैतानी करती है यार ये।